एक सुझाव है, मानोगी? कहिए। देखो, ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है, खुशियां, पैसा। अगर कुछ नहीं दिया है तो वो औलाद का सुख। तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें, ताकि इस घर का सुनापन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और ये घर खुशियों से भर जाए। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, पर आप खुद ही सोचिए, हमने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया। देश विदेश के हॉस्पिटल्स, बड़े से बड़े डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, और जब डॉक्टर से हार मान बैठे तो हजारों तीर्थ स्थानों पर जाकर बच्चे के लिए मन्नत मांगी। पर हुआ क्या, जब ऊपर वाला ही नहीं चाहता कि हमें औलाद का सुख मिले, तो दूसरे का बच्चा गोद लेकर क्या हमें सुख मिल पाए? क्यों नहीं मिल पाएगा? खुशी का ताल्लुक तो इंसान की सोच से है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बच्चे तो भगवान का रूप है, और जिस घर में रहते हैं, जिस घर में पलते हैं, वही उनका घर है, वही उनके माँ बाप है। हो सकता है आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब सही हो। आप चाहें तो बच्चा गोद ले सकते हैं। रोशनी, जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। आज के बाद इस मामले पर हम कभी बहस नहीं करेंगे, ओके? क्या ये भैया भैया लगा? मैं सिर्फ तेरा भाई थोड़ी हूँ, मैं तेरा दोस्त भी हूँ। Am I not your friend? आप सिर्फ मेरे भाई या दोस्त नहीं है, मेरे लिए सब कुछ है। ईश्वर के बाद अगर मैंने किसी को चाहा है या डरता हूं तो वो सिर्फ आप ही है। ये क्या सेंटिमेंटल बातें कर रहा है? क्या जज्बाती बातें करने लग गया? ए विजू, तेरी आंखों में आंसू? सच कहता हूं भैया, आपके सिवा कोई नहीं है मेरे इस दुनिया में, कोई नहीं जो मुझे समझ सके, कोई नहीं जो मुझे प्यार दे सके।